हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंदा, रेसिपी सिखाती हूँ। मंदाज डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ रेड राइस पास्ता। रेड राइस पास्ता ग्लूटेन फ्री है, यानी इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है। साथ ही साथ इसमें ज्यादा मात्रा में आयरन है और विटामिन सी से भी भरपूर है। रेड राइस पास्ता देसी स्टाइल से बनाएंगे, तो चलिए सीखते हैं कि रेड राइस पास्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 10-15 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, थोड़े बारीक कटे हुए प्याज के हरे पत्ते, थोड़े मटर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 गाजर बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 हल्दी, टोमेटो सॉस और रेड राइस पास्ता। सबसे पहले हम पास्ता को उबालेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में पास्ता डूबने तक हमें पानी डालना है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से पास्ता चिपकेगा नहीं, इसलिए हमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। आपके घर में कोई भी ऑयल हो आप यूज कर सकते हो। अब हम पानी को उबालेंगे, बाद में इसमें पास्ता डालेंगे। पानी को उबाली आ चुकी है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। यह पास्ता 250 ग्राम है। हमें पास्ता पानी को उबाले आने के बाद में ही डालना है। पास्ता को हमें 10 से 12 मिनट मीडियम गैस पर उबालना है। रेसिपी बनाते बनाते हम बीच बीच में छोटी मोटी टिप्स देते रहते हैं, जिससे रेसिपी और भी अच्छी बनती है। तो यह वीडियो या फिर जो कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर हो उसे आप पूरा देखिए, ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। अगर आपको इसमें नमक डालना हो तो आप इसमें स्वादानुसार थोड़ा नमक डाल के भी उबाल सकते हो। जब तक पास्ता नरम नहीं होता तब तक हमें पानी में पास्ता को उबालना है और बीच बीच में हमें पास्ता को दबा के चेक करना है। अगर उबलते उबलते पास्ता में पानी कम हो गया हो तो आप थोड़ा पानी गर्म करके पास्ता के ऊपर तक डाल सकते हो। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और पास्ता भी उबाल के हो चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब हम पास्ता का पूरा पानी निकालेंगे। कढ़ाई में एक छन्नी रखना है और उसमें पूरा पास्ता डालकर पास्ते का पानी निकालना है। पास्ते का पानी निकाल के हो चुका है और पास्ता भी उबाल के हो चुका है। अब हम पास्ता के लिए मसाला तैयार करेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को सिर्फ हमें 1/2 मिनट पकाना है। बाद में ही कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल के इसे हमें 1/2 मिनट भूनना है। अदरक लहसुन भून के हो चुका है, अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें नरम होने तक पकाना है। यह प्रोसीजर हमें धीमे आंच पर ही करना है। प्याज नरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़े मटर डालेंगे और मटर को भी 1/2 मिनट पकाएंगे। 1/2 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर को भी 1/2 मिनट पकाना है। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डालेंगे। आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। जिस क्रम से हमने सब्जियां डाली है उसी क्रम से आपको सब्जियां डालना है। क्योंकि मटर पकने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए हमने सबसे पहले मटर डाला है, बाद में ही गाजर और शिमला मिर्ची डाला है, ताकि सभी सब्जियां अच्छे से पक सके। सब्जियां थोड़ी पक चुकी है, अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे। यह रेसिपी की डिमांड कविता जी ने की है, इसलिए हम बना रहे हैं। अगर आपकी भी कोई रेसिपी की डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम जरूर ट्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, स्वादानुसार नमक और
आधा चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद कम से कम हमें इसे एक दो मिनट पकाना है। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी को बुलबुले आने के बाद में ही हमें इसमें पास्ता डालना है। पानी को बुलबुले आ चुके हैं और पास्ता के लिए मसाला तैयार है। अब हम इसमें 250 ग्राम उबाला हुआ पास्ता डालेंगे और मसालों में पास्ता को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज का हरा पत्ता डालेंगे और पास्ता में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। रेड राइस पास्ता देसी स्टाइल से बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा चीज डालेंगे। और धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। देसी स्टाइल रेड राइस पास्ता बनके तैयार है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। अरे रुको रुको, जाने से पहले लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर करो ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।